जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले क्लास टेंथ का जो हम लोग साइंस का अग्रवाल का हम लोग अनुसवाल कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने सेट टू को हम लोग कर रहे हैं और सेट टू का एग्जिट कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें 2021 का सेट कर रहे हैं दोस्तों। हम हर एक वीडियो में कहते हैं, इस वीडियो में भी आपसे वही कहेंगे, अगर आप राजीव का हो, एचएम का हो या किसी का भी अनुसवाल की तैयारी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, सेट को देखिए, बस एचजेड क्लियर है। हम लोगों ने पार्ट बाय पार्ट से पढ़ रहे हैं, पार्ट वन में हम लोग फिजिक्स का अध्ययन करते हैं, पार्ट टू में केमिस्ट्री का और पार्ट थ्री में हम लोग बायोलॉजी करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज पार्ट थ्री करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सेट टू का पार्ट थ्री है, जिसमें बायोलॉजी का संपूर्ण अध्ययन कर देंगे। क्लियर दोस्तों, बाद बाकी बायोलॉजी का जो क्वेश्चन होता है ये लेक्चरर होता है, इसीलिए हम इसको आपको समझाएंगे, बाद बाकी इसका जो भी आंसर होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमने डिस्क्रिप्शन इसको डाल दिया है, वहां से जाकर आप आराम से देख सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी का आपका पहला क्वेश्चन आपको क्या लिखा गया है, निम्न में से कौन सा पराग कोश में पाए जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि पराग कोश, ऑप्शन दिया गया है बाह्य दल, पराग कण, तो पराग कण हमारा राइट आंसर है। क्यों पराग कण है, क्योंकि पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं, पराग कोश में पराग कण जो है ये उसका नर भाग होता है, नर भाग होता है, नर युग्मक होता है, इसीलिए हम लोग जानते हैं कि पराग कण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसके बाद पादप में जाइलम कार्य है, पादप में जाइलम का कार्य क्या है, दोस्तों आपको बता दें कि जाइलम जल को लाता है और विभिन्न भागों में पौधों की पत्तियों के विभिन्न भागों में पत्तियों तक यानी जल का संवहन, जल को पहुंचाने का कार्य करता है कौन, जाइलम। फ्लोएम भोजन को पहुंचाता है, ये दोनों याद रखना, जाइलम जल को पहुंचाता है, फ्लोएम भोज पदार्थों को पहुंचाता है पौधों के विभिन्न भागों तक। तो इसमें क्या लिखा गया है, जल का बहन, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, जल का बहन। इसके बाद मस्तिष्क उत्तरदायी है, जो हमारा माइंड होता है, मस्तिष्क होता है किसके लिए उत्तर देता है, तो हम लोग जानते हैं कि मस्तिष्क पूरे हमारा संपूर्ण शरीर को ये चलाता है, तो सबके लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि मस्तिष्क हम लोग जानते हैं कि मस्तिष्क जो है ये हमारा पूरा मशीन, जो शरीर का पूरा मशीन है, इसका कारभार को अकेला संभाले हुए है मस्तिष्क। तो सोचने के लिए बिल्कुल राइट, हृदय स्पंदन के लिए यानी हृदय को धड़काने के लिए बिल्कुल राइट, बिना मस्तिष्क के हृदय धड़कता नहीं है हमारा। इसके बाद शरीर का संतुलन के लिए, ये तो पूरा का पूरा ही सच्ची बात है। इसके बाद इनमें से सभी, तो हम लोग चौथा ऑप्शन कर लेंगे, इनमें से सभी, क्लियर हो गया। अब की बात, उद्विकास की दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता है, ऑप्शन दी गई है, चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी, जीवाणु, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, चीन के विद्यार्थी से ही हमारी समानता है। क्या हम लोग चिंपैंजी जैसा है, चिंपैंजी जो बंदर है, क्या हम लोग चिंपैंजी बंदर जैसा है, तो हम लोग चिंपैंजी बंदर जैसे नहीं है, इसलिए इससे हमारी कोई समानता नहीं है। मकड़ी से क्या हम लोग मकड़ी जैसे है, नहीं बिल्कुल नहीं। क्या हम लोग जीवाणु है, बिल्कुल नहीं। तो चीन के विद्यार्थी, अब चीन के विद्यार्थी के अलावा अगर भारत के विद्यार्थी आ जाए, कि अमेरिका के विद्यार्थी आ जाए, कहीं के भी आ जाए, हम लोग उससे ही समानता रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे, ये तो आपके 9 का का खा गा घा था, अब 10 का का, तो इससे पहले आपको हेडिंग डाल लेनी है, जैसे आपको हेडिंग बोर्ड एग्जाम में ध्यान देना कि आप हर बार आपको हेडिंग डाल लेनी है, तो हम लोग लिखोगे उत्तर 10 का का। और उत्तर 10 के का में हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया है हमसे, उत्तर 10 के का में ये पूछा गया, मुकुलन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित इसकी उपयोगिता सचित्र बताइए। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल के लिखना है, बोर्ड एग्जाम में हेडिंग डाल लेना है मुकुलन, क्या हेडिंग डाल लेना है आपको, मुकुलन। अब मुकुलन कहते किसे है दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना है, मुकुलन, मुंह निकलना, मुंह किससे निकलना, ध्यान देना कि मुकुलन जो है इसमें से, ये एक पहली बात तो ये एक अलैंगिक जनन है, आखिर अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, जिसमें लिंग की सहायता से जनन क्रिया नहीं होती है, अलैंगिक जनन कहते हैं, नर मादा की आवश्यकता ही नहीं होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो ये जो हमारे पास मुकुलन है, ये एक अलैंगिक जनन की क्रिया है। इसमें क्या होता है, इसमें जो जनक होते हैं, जनक का मतलब क्या होता है, जनक का मतलब जिससे संतान की उत्पत्ति होती है, इसमें से जो जनक होता है, जनक के शरीर से एक उभार उत्पन्न होती है, उभार का मतलब होता है एक मुकुल उत्पन्न होता है, मुकुल का मतलब कली, एक कली उत्पन्न होती है। आपको चित्र के साथ से बता दे, तो इसमें लिखा भी गया है कि सचित्र उदाहरण, मतलब उदाहरण सहित इसकी उपयोगिता सचित्र बताइए, तो इसका चित्र बनाकर आपको समझा देते हैं।
कि जैसे आपका, जैसे मान लो कि इसका उदाहरण, उदाहरण क्या हो गया दोस्तों, उदाहरण हो गया आपका हाइड्रा। उदाहरण में आप लोग क्या लोगे, उदाहरण लो हाइड्रा। अब हाइड्रा का शरीर किस प्रकार से होता है, देखो इस प्रकार से हाइड्रा का शरीर होता है, इस प्रकार से हाइड्रा का शरीर हो गया ये। अब इस हाइड्रा के शरीर से पहले क्या होगा, एक उभार उत्पन्न होगी। उभार किस प्रकार से, देखो बता रहे, जैसे मतलब ये हाइड्रा का शरीर हो गया, ये हाइड्रा का शरीर हो गया, इसके शरीर से पहले एक उभार उत्पन्न होगी। उभार का मतलब होता है कली, उभार का मतलब हो गया कली। इस प्रकार से कली उत्पन्न होगी। अब इस ये कली क्या होता है कि ये जो जनक है यानी माता पिता, यानी ये जो जनक है, इसके जनक के शरीर के साथ साथ ये भी बढ़ती रहती है, ये भी बढ़ती रहती है। इस प्रकार से जैसे ये जनक हो गए, जनक के साथ साथ ये भी धीरे धीरे बढ़ती रहती है, ये भी इस प्रकार से, ये हाइड्रा का चित्र दोस्तों, इस प्रकार से बढ़ती रहती है। और फिर बाद में क्या होता है कि ये जनक के शरीर से अलग होकर नई शिशु का जन्म देती है, यानी नई हाइड्रा बन जाती है। इसे हम लोग कहते हैं मुकुलन। ये बाद में क्या होता है कि ये बाद में आपके पास इस प्रकार से, ये तो हो गया जनक हमारे पास, ये क्या हो गया जनक, और इसके बाद एक नई संतति की उत्पत्ति होती है, ये नई हाइड्रा बन गई, ये क्या बन गई, नई हाइड्रा। इसे हम लोग मुकुलन कहते हैं। मुकुलन कौन सा भाग है, ये इस वाले भाग को हम लोग मुकुलन कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, मुकुलन की क्रिया क्या होती है, माता पिता के शरीर में यानी हाइड्रा के पहले शरीर में, हाइड्रा का उदाहरण हो गया, हाइड्रा के शरीर में सबसे पहले एक उभार उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग कलिका कहते हैं, यानी जिसको हम लोग मुकुल भी कह सकते हैं, मुकुल और कली, जैसे ना कली निकलती है उसको हम लोग मुकुल कहते हैं, तो इसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल क्या होता है कि माता पिता के शरीर के साथ साथ ये भी बढ़ती है, और फिर बड़े होकर फिर माता पिता के शरीर से अलग हो जाती है और नई शिशु का जन्म देती है, जिसे ही हम लोग कहते हैं मुकुलन। क्लियर। अब आता है आपके पास क्वेश्चन इसी का, दस का खा। दस का खा में क्या पूछा गया है, बातर रंध्र स्टोमेटा क्या है, ये कहां पाए जाते हैं, इसकी उपयोगिता बताइए। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि इसमें एक चीज अंग्रेजी का मिस्टेक लिखा हुआ है, बातर रंध्र को अंग्रेजी में लेंटिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंटिसेल कहते हैं। और ये कहां पाए जाते हैं और इसकी क्या उपयोगिता है। सबसे पहले बातर रंध्र क्या है, तो दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आपको इस प्रकार से डालना है कि वो हम लोग लिखेंगे उत्तर दस का खा, उत्तर दस का खा, और हेडिंग डाल लेना है आपको बातरंध्र। बातरंध्र है क्या दोस्तों, आपको बता दे, बात का मतलब वायु, बात का मतलब वायु, और रंध्र का मतलब छेद, वायु का छेद से निकलना बातरंध्र कहते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे आपको बता दे कि जो पौधे होते हैं, पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको बायोलॉजी में नाम दे के रखा है रंध्र यानी स्टोमेटा। उन छिद्रों से पौधे श्वसन क्रिया करते हैं, उन छिद्रों से पौधे श्वसन क्रिया करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दे कि जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, जो बड़े बड़े पौधों में जो लकड़ी वाले पौधे होते हैं, उनको उनके उन पौधों में, उन पौधों में रंध्र नहीं पाए जाते हैं। उन पौधों में क्या होता है कि तने पाए जाते हैं, तने वाले पौधों में हम लोग, तने वाले पौधों में क्या होता है, तो तने वाले पौधों में बातरंध्र ना पाए जाने के कारण तने जो होते हैं, तनों से देखा होगा कि तने फटफट जाते हैं, तने जो फटफट जाते हैं, तनों की जो ऊपर वाली छाल होती है ना, छाल फटफट जाती है, उन छालों से श्वसन क्रिया होती है, उसे हम लोग बातरंध्र कहते हैं। क्लियर हो गया, बातरंध्र, बातरंध्र क्या होगा, तनों, तने जो है, तनों के जो छाल है, छाल से जो श्वसन क्रिया हो रही है उसे बातरंध्र कहते हैं। इसके बाद ये कहां पाए जाते हैं, तो बातरंध्र तनों की छाल में पाए जाते हैं। देखा होगा कि पौधे के जो तने होती है वो फटफट जाते हैं ना, यहां पाए जाते हैं बातरंध्र। ठीक है, इसके बाद इनकी उपयोगिता क्या है, तो इनकी उपयोगिता है तनों यानी पौधों का श्वसन क्रिया करने में इसके उपयोग करते हैं हम लोग नहीं, मतलब पौधे इसका उपयोग किसमें करते हैं, पौधे अपने श्वसन क्रिया करने में इसका उपयोग करते हैं। बातरंध्र का उपयोग क्या है, श्वसन क्रिया करने में। इसके बाद आपका दस का गा पूछा गया है, दस के गा में क्या लिखा गया है, तो हम लोग डालना हेडिंग दस का गा, तो ऐसे लिखोगे उत्तर दस का गा,
और हेडिंग क्या पूछा गया आपका, क्वेश्चन ये पूछा गया है लार यानी सलाइवा क्या है, इसकी उपयोगिता का विवरण उदाहरण सहित दीजिए। तो लार क्या है, सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेनी है लार। दोस्तों लार किसे कहते हैं, सबसे पहले आप लार के बारे में समझो, जो मनुष्य का शरीर में जो मुख होती है ना, मुख में एक लार एंजाइम होती है, उस लार एंजाइम में लार रस का स्रवण होता है। लार रस का स्रवण मतलब लार रस बनती है, उस लार रस बनती है उसे ही लार कहते हैं। मनुष्य के मुख में लार ग्रंथि होती है जिससे लार निकलती है उसे लार कहते हैं। इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि इसकी उपयोगिता का विवरण उदाहरण सहित दीजिए। इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, लार का उपयोग, ध्यान देना दोस्तों, लार एंजाइम करता क्या है, लार क्या करता है, लार जो है वो हमारा, हम लोग जब भोजन करते हैं ना, जब हम लोग भोजन करते हैं भोजन को मंड के रूप में यानी स्टार्च के रूप में, क्योंकि हम लोग भोजन को हमारे मुख में जब भोजन को डालते हैं तो भोजन जब पीस जाते हैं ना, दांत हमारे दांत क्या करते हैं, भोजन को एकदम पीस कर लेई जैसा बनाते हैं, उसको फिर उस भोजन में स्टार्च होती है यानी मंड होती है, उस मंड को लार ग्लूकोज यानी शर्करा में बदल देती है, ग्लूकोज यानी शर्करा में बदल देती है। बदलने के बाद क्या करती है कि उस पर लेई यानी लार चारों ओर से, भोजन के चारों ओर से उसको लेई जैसा बना देते हैं जिससे कि निगलने में सहायता हो, इसलिए लार का उपयोग हम लोग इसमें करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका 11 का काम है क्या पूछा गया है, 11 का काम है लिखा गया मनुष्य की आहार नाल का सबसे उपयोगी भाग कौन सा है और क्यों। सबसे पहले आप लोगों को इस प्रकार से हेडिंग डाल लेना है, हेडिंग क्या डालोगे, उत्तर 10 है कि 11 है, दोस्तों को बता दे 11 है, तो 11 का का और 11 के काम है आपको क्या हेडिंग डाल लेनी है, हेडिंग डाल लेनी है मनुष्य की आहार नल का सबसे उपयोगी भाग, तो मनुष्य की आहार नल का सबसे उपयोगी भाग यही हेडिंग डाल लेनी है, मनुष्य के आहार नल का सबसे उपयोगी भाग, सबसे उपयोगी भाग। दोस्तों बता दे कि मनुष्य के शरीर का सबसे उपयोगी भाग यानी आहार नाल में, दोस्तों आहार नाल का सबसे उपयोगी भाग आपको बता दे कि ये छोटी आंत होती है, छोटी आंत को आंत्र भी कहते हैं, छोटी आंत्र जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत में दोस्तों आपको बता दे कि मनुष्य का सबसे उपयोगी भाग छोटी आंत होती है। और अच्छी बता दे कि मनुष्य के सबसे मतलब आहार नाल का सबसे लंबी भाग या छोटी आंत ही है, लगभग 20 फीट की इसकी लंबाई होती है, 20 फीट की इसकी लंबाई, समथिंग 7.5 मीटर तक इसकी तो समथिंग लंबाई होती है, ठीक है। तो यही पूछा गया है कि मनुष्य के आहार नल का सबसे उपयोगी भाग कौन सा है, तो मनुष्य के आहार नल का सबसे उपयोगी भाग हमारा छोटी आंत है, और भाग कौन सा और क्यों, अब क्यों छोटी आंत सबसे उपयोगी है, दोस्तों को बता दे कि भोजन का जो पाचन होता है हमारे शरीर में, भोजन का संपूर्ण पाचन करने में इसका सबसे बड़ा महत्व होता है, यही सबसे बड़ा किरदार निभाता है, यानी भोजन को जब हम लोग भोजन करते हैं तो जब छोटी आंत तक में भोजन पहुंचती है, भोजन का यानी संपूर्ण भोजन का पाचन क्रिया कराने का जिम्मेदार यानी ठेका लेके रखा है किसने, यही ठेका लगा रखा है कौन, हमारा छोटी आंत, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। आपको बता दे कि हम लोग जब भोजन करते हैं समथिंग छोटी आंत में समथिंग लगभग 6 घंटे तक भोजन रहती है, इसलिए कभी कभी हम लोग जब व्रत रहते हैं तो व्रत कैसे रह सकते हैं, क्योंकि छोटी आंत भोजन को अपने अंदर रखे हुए है, इसीलिए हम लोग व्रत रह सकते हैं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा उपयोग हम लोग इसका उपयोग किसमें, उपयोग पूछा गया है, हाँ उपयोगी कौन सा है और क्यों है, तो उपयोगी कौन सा है, उपयोग है इसका भोजन का, संपूर्ण भोजन को पाचन क्रिया कराने में ये जिम्मेदार है, क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे 11 का अगर का नहीं कर पा रहे हो तो का अथवा करना है, तो लिखेंगे 11 का अथवा। अब 11 का अथवा कैसे लिखोगे, इस प्रकार से लिखोगे आप लोग, उत्तर 11 का अथवा, बोर्ड एग्जाम में लिखना है दोस्तों, आपको बता दे रहे 11 का अथवा। इसमें क्या पूछा गया है, पौधों में परागण का क्या महत्व है, इसके विभिन्न प्रकार तथा इनमें कौन सा अधिक उपयोगी है उसका उल्लेख कीजिए। सबसे पहला हेडिंग डालना है दोस्तों आपको परागण,
क्या हेडिंग डाल लेना है, परागण। इसके बाद परागण को लिखने के बाद आप लोग इसमें क्या हेडिंग डालोगे, इसके विभिन्न प्रकार, तो लिखोगे प्रकार, परागण के प्रकार। इसके बाद हेडिंग डालोगे परागण के प्रकार, ठीक है, परागण के प्रकार हेडिंग डालोगे। परागण के प्रकार के हेडिंग डालने के बाद इसके विभिन्न प्रकार, इनमें कौन सा अधिक उपयोगी है उसका उल्लेख कीजिए। और इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके वो बोर्ड एग्जाम लिखना है। दोस्तों आपको एक चीज बता दे कि हम लोग इस वीडियो में हो और अनसॉल्व्ड की वीडियो में उतना ही पढ़ेंगे, पूरा विस्तार हम लोग क्यों नहीं पढ़ते, हम लोग उतना पढ़ते जो क्वेश्चन में कहा जाए, ठीक है दोस्तों। आपको ये ध्यान रखना, जितना क्वेश्चन में कहा जाएगा उतने के बारे में ही हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसमें कहा गया परागण के प्रकार, तो नहीं परागण, तो परागण का महत्व क्या है, तो आपको बता दे कि परागण हमने बायोलॉजी का टॉपिक में आपको पढ़ाया था। परा का मतलब क्या होता है, पराए से, दूसरे से, गढ़ का मतलब बनाना, गढ़ का मतलब बनाना, दूसरों से बनाना, मतलब समझिए, मतलब इसमें क्या होता है कि एक पुष्प के, एक पुष्प के जो पराग कोष होते हैं, पराग कण होते हैं, एक पुष्प के पराग कोष में जो पराग कण होते हैं ना, जो कि पराग कण पुष्प का कौन सा भाग होता है, नर भाग होता है, यानी पुरुष भाग होता है, ठीक है, वो स्त्री केसर के, पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक, यानी जो स्त्री केसर होता है, स्त्री भाग होता है, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण का मतलब क्या होता है, जो पुष्प है, पुष्प के जो नर भाग है, जिसको बायोलॉजी में हम लोगों ने पराग कोष नाम दे रखा है, उसमें पराग कण है, उसमें पराग कोष में क्या बनता है, पराग कण बनता है, वो पुष्प का जो स्त्री भाग है, जिसको हम लोग स्त्री केसर कहते हैं, उसमें जो वर्तिकाग्र होती है, वर्तिकाग्र बनता है ना, उसमें वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया, पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम लोग परागण कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। परागण के प्रकार, परागण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, बता दे कि परागण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार से कौन कौन से होते हैं, एक होता है स्वपरागण, एक होता है स्वपरागण, और दूसरा होता है आपके पास पर परागण। स्वपरागण, पर परागण, ये दो होते हैं। अब ध्यान देना, स्वपरागण और परपरागण में अंतर क्या है। स्व का मतलब स्वयं, और पर का मतलब पराए से, यानी इसमें हमने परागण आपको बता दिया, परागण का मतलब क्या होता है, पुष्प का क्या होगा, परागण वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, परागण होगा। लेकिन स्व माने उसी पुष्प की, अगर एक ही पुष्प के, एक ही पुष्प के पराग कोष का पराग कण, उसी पुष्प के पराग यानी स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम लोग स्वपरागण कहते हैं। इसमें एक पुष्प होना चाहिए। पर परागण, पर का मतलब होता है दूसरे, और परागण तो आप लोग जान चुके हो। अगर इसमें दो पुष्प होने चाहिए, दो पुष्प के पौधे होना चाहिए, यानी एक पुष्प के, एक पुष्प का जो पराग कोष के पराग कण है, दूसरे पुष्प के स्त्री केसर के यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम लोग पर परागण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको बता दे कि इनमें से हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अधिक उपयोगी है, तो आपको बता दे सबसे अधिक उपयोगी हमारे पास पर परागण है। पर परागण अधिक उपयोगी क्यों है, क्योंकि इसमें दो पुष्प बन, दो यानी अलग अलग पौधों के पुष्प की जरूरत हो रही है ना, इसलिए ये अधिक उपयोगी है। क्योंकि अधिक उपयोगी है, और बता दे कि पर परागण से जो बीज बनते हैं वो स्वस्थ बनते हैं, पर परागण से जो बीज बनते हैं वो स्वस्थ बनते हैं और नई जातियों की उत्पत्ति होती है, इसलिए हमारे पास पर परागण अधिक लाभदायक है, ठीक है। इसके बाद आपके क्वेश्चन नंबर 11 का खा में क्या पूछा गया है, तो आपको लिखना है उत्तर 11 का खा, इसे लिखोगे उत्तर 11 का खा। 11 के खा में आपसे पूछा गया यकृत के कार, तो आपको लिखना है, हेडिंग डालना है यकृत के कार। अब यकृत के दोस्तों कार कौन कौन से हो गए, आपको बता दे कि यकृत का कार क्या होता है। आपसे यही पूछा गया है कि यकृत के कारों का उल्लेख कीजिए,
तो यकृत, चार नंबर का है, चार कारकों को लिखना बहुत जरूरी है। यकृत के कार ये होते हैं दोस्तों, यकृत जो होती है ना, यकृत को हम लोग अंग्रेजी के नाम से लीवर के नाम से जानते हैं। अब लीवर का कार्य क्या हो गया, सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो हम लोग भोजन करते हैं उस भोजन में बहुत सारे एमिनो अम्ल पहुंच जाते हैं, उस एमिनो अम्ल को यानी यूरिया और अमोनिया में तोड़ने का कार्य करता है यकृत। यकृत एमिनो अम्ल को यूरिया और अमोनिया में तोड़ने का कार्य करता है यकृत। दूसरा इसका कार्य क्या होता है, दूसरा कार्य आपको बता दें कि इस यकृत का दूसरा कार्य होता है, जिसे हमारे शरीर में रुधिर होती है, रुधिर मतलब रक्त है यानी ब्लड, ब्लड को जितनी ऊर्जा चाहिए यानी ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज कहां से मिलती है, भोजन से, जितना ग्लूकोज चाहिए उस ग्लूकोज को यानी यकृत रक्त तक पहुंचाता है, यकृत ही पहुंचाता है। इसके बाद जो हमारे शरीर में रक्त तक पहुंचाने के बाद जो भोजन शेष बच जाते हैं उसको पाचन क्रिया तक पहुंचाने का कार्य भी कौन करता है, यकृत ही करता। तथा दोस्तों जो रुधिर को भोज पदार्थों की कमी होती है उन भोज पदार्थों को ही यकृत रुधिर तक पहुंचाने का कार्य करती है। दोस्तों आपको बता दें ये यकृत कार्य हो गया, यकृत कार्य क्या हो गया, रुधिर को ग्लूकोज प्रदान करना और एमिनो अम्ल को यूरिया अमोनिया में तोड़ना और भोजन को पाचन क्रिया तक पहुंचा देना, और इसके बाद जैसे रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का वो पूरा करता ही है, इसके बाद जो भोज पदार्थों की कमी होती है उसको भी पूरा करता है कौन, यकृत। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास अगर आपको 11 का खा नहीं करना है तो इसका अथवा कर सकते हो, तो आपको लिखना है उत्तर 11 का खा का अथवा, इसे लिखोगे उत्तर 11 का खा का अथवा। दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में इसे लिखना है, 11 के खा के अथवा में क्या पूछा गया है, 11 के खा के अथवा में वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन से क्या समझते हैं, इसका महत्व बताइए। सबसे पहले हेडिंग आपको डाल लेना है वाष्पोत्सर्जन, हेडिंग क्या डालना लेना है, वाष्पोत्सर्जन। आखिर वाष्पोत्सर्जन और इसके बाद दूसरा वाष्पोत्सर्जन के महत्व, दूसरा क्या डालना आपको, वाष्पोत्सर्जन के महत्व। दोस्तों वाष्पोत्सर्जन आपको किसे कहते हैं, सबसे पहले ये बता दें कि वाष्पोत्सर्जन वाष्प मतलब होता है वाष्प, उत्सर्जन का मतलब उड़ जाना, यानी वाष्प बन के उड़ जाना वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्प बनकर क्या उड़ जाता है दोस्तों आपको बता दें, पौधों के बाहरी भाग से, पौधों के बाह्य भाग, बाह्य भाग मतलब होता है बाहरी भाग, जैसे पत्तियां तने से, यानी पौधे का पत्तियां तने से जल का वाष्प बन के उड़ जाना क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। फिर से एक बार समझिए, पौधों के बाहरी भागों से यानी पत्तियों से तनों से जो जल है, जल का वाष्प बन के निकल जाना उड़ जाना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। अब आता है आपके पास वाष्पोत्सर्जन के महत्व पे, दोस्तों वाष्पोत्सर्जन के महत्व में कुछ हेडिंग आती है जो कि आपको पहले लिख देते हैं फिर एक एक करके हम इसको समझा रहे हैं। अब दोस्तों हमने वाष्पोत्सर्जन के महत्व के हेडिंग्स को लिख दिया है, अब वन बाय वन करके आपको एक एक करके बहुत आसान तरीके से सिंपल शब्दों में समझाते हैं। सबसे पहला हेडिंग क्या है महत्व में, अतिरिक्त जल का निस्तारण, अतिरिक्त जल का निकालना, निस्तारण का मतलब निकालना, अतिरिक्त जल को किस प्रकार से निकालते हैं, वाष्पोत्सर्जन को तो समझ चुके हो, जल का वाष्प बन के निकाल देना वाष्पोत्सर्जन। अब ध्यान देना, अतिरिक्त जल का निस्तारण कैसे करते हैं पौधे, पौधे क्या करते हैं कि पौधों के जो मूल रोम होते हैं ना, मूल रोम जड़ जो होती है, नीचे की जो जड़ें होती है, मूल रोम एक मेन जड़ भी होती है बहुत लंबी दूर तक जाती है, वो जड़ क्या करती है कि भूमि से मृदा से जल को पहले इकट्ठा करती है, इकट्ठा करने के बाद ये पौधों के विभिन्न भागों तक जल को पहुंचाने का कार्य करती है, मूल रोम जल को इकट्ठा करके पौधों को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। ध्यान रहे इतना जल इकट्ठा हो जाता है कि जितना वाष्पोत्सर्जन के लिए यानी जितना पौधों को मतलब भोजन नहीं, जितना पौधों को जल चाहिए उससे कई अधिक गुना, कई गुना जल इकट्ठा हो जाता है। इसको पौधे क्या करते हैं कि जितना पौधों को चाहिए उतना पौधे जल को रख लेते हैं और बाकी पौधे जो होते हैं वो जल को वाष्पोत्सर्जन द्वारा अपने शरीर से निकाल देते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं अतिरिक्त जल का निस्तारण। खनिज लवणों की प्राप्ति, प्राप्ति को मतलब ग्रहण करना, किसको ग्रहण करना,
खनिज लवण को ग्रहण करना। खनिज लवण कहाँ पाए जाते हैं? मृदा में पाई जाती है खनिज लवण। अब ध्यान देना कि खनिज लवण को समझने से पहले आपको एक टॉपिक को बता दे कि वाष्पोत्सर्जन और अवशोषण में बहुत घनिष्ठ संबंध है। वाष्पोत्सर्जन और अवशोषण में बहुत घनिष्ठ संबंध है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है? जल का निकालना, और अवशोषण का मतलब जल को ग्रहण करना। तो ध्यान देना कि पौधों में जितनी अधिक वाष्पोत्सर्जन होती है उतना ही अधिक उसमें अवशोषण होता है, उतना ही बराबर होते हैं, दोनों काम बराबर करते हैं। इधर से वाष्पोत्सर्जन, इधर से अवशोषण, इधर से वाष्पोत्सर्जन, इधर से अवशोषण, इस प्रकार से क्रिया होती है। इसके दौरान क्या होता है दोस्तों, आपको बता दे कि जितना अधिक वाष्पोत्सर्जन होगा, खनिज लवण जल में, ध्यान देना नीचे जो जल आती है उसमें खनिज लवण जो होते, खनिज लवण की मात्रा कम हो जाती है और जल में घुल जाती है। उसी जल में घुलने के बाद पौधों के विभिन्न भागों तक खनिज लवण पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से पौधे खनिज लवणों की प्राप्ति करते हैं। दोस्तों आपको बता दे कि इससे क्या होता है कि पौधों के जो पत्तियों के जो छिद्र होते हैं जहां से पौधे वाष्पोत्सर्जन करते हैं, वहां पर क्या होता है कि खनिज लवण पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचते पहुंचते इसका परासरण दाब बढ़ जाता है। परासरण दाब का मतलब क्या होता है कि खनिज लवण इसके अंदर पहुंच जाते हैं और जल बाहर पहुंच जाते हैं, जिससे कि परासरण का मतलब क्या होता है कि दूसरे के शरण में जाना। पौधे मतलब जो हमारे पास खनिज लवण है वो मृदा से किसके शरण में जा रहे हैं? मृदा से पौधों के शरण में जा रहे हैं। इस प्रकार से देख पाते हैं कि परासरण दाब बढ़ जाते हैं और पौधों को जितने खनिज लवण की आवश्यकता होती है, पौधे इस प्रकार से खनिज लवण की आवश्यकता, अपनी आवश्यकता को पूरी कर लेते हैं पौधे। इसके बाद वाष्पोत्सर्जनाकर्षण तथा रसारोहण, वाष्पोत्सर्जनाकर्षण तथा रसारोहण, इसका मतलब दोस्तों आपको बता दे कि वाष्पोत्सर्जन की क्षमता जितनी अधिक होती है उतना ही चूषण बल, चूसने की क्षमता मतलब इधर वाष्पोत्सर्जन ऊपर की ओर उड़ रही है और इधर चूस रही है, मतलब ऊपर वाष्पोत्सर्जन किसको चूस रही है? पानी को। इसमें चूषण क्षमता अधिक हो जाती है, जिससे बड़े बड़े जो पौधे होते हैं, बड़े बड़े पौधों में भी वैसी वाष्पोत्सर्जन के कारण मृदा से जल जो है ऊपर तक पहुंच जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जनाकर्षण तथा रसारोहण। इसके बाद ताप का नियमन, यानी ताप को कैसे नियंत्रित करते हैं पौधे, समझिए। ताप को इस प्रकार से, जैसे वाष्पोत्सर्जन के कारण, वाष्पोत्सर्जन कहां पर होती है? पौधों के पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होती है ना। जब जल वहां से जल का निकास होता है, जल निकलते है, उस समय पौधों की जो पत्तियां होती है उसमें गुप्त ऊष्मा होती है, यानी ऊष्मा छिपी होती है, वो पहले से गर्म होती है, लेकिन वाष्प उसके अंदर से निकलने के कारण वो पत्तियां ठंडी हो जाती है, जिससे पौधे अपने ताप का नियमन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जल का समान वितरण, आपको बता दे कि पौधों के विभिन्न भागों में जल का, क्योंकि जाइलम जल को ले जाते ना, जाइलम पौधों के विभिन्न भागों में समान रूप से वितरण कर देते हैं, हर भाग को बराबर बराबर पानी वो देता है जाइलम। इसके बाद फलों में शर्करा की सांद्रता, फलों में शर्करा, शर्करा का मतलब क्या था? ग्लूकोज, ग्लूकोज का मतलब मीठापन। ध्यान देना वाष्पोत्सर्जन जितनी अधिक होगी पौधों में शर्करा की सांद्रता, सांद्रता का मतलब होता है अधिक, पौधों की शर्करा में सांद्रता यानी पौधों के मीठापन बहुत ही अधिक होता है। पौधों में जो फल होते हैं ना, फल बहुत मीठे बन जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन के कारण पानी ऊपर की ओर उड़ जाती है और इधर से भूमि से जो हमारे पास जाइलम है, पौधों के विभिन्न भागों तक जल को पहुंचा देते हैं, और जल को पहुंचाने के कारण उसकी जल जो फल है ना, फल में शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा यानी मीठापन बहुत अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद यांत्रिक ऊतकों का आवरण का निर्माण, तो आपको बता दे कि इसके लिए यांत्रिक ऊतकों का निर्माण, वाष्पोत्सर्जन अधिक होने के कारण पौधों की यांत्रिक यानी अंदर में क्या होता है कि ऊतक, नए ऊतक बनने लगते हैं। ये ऊतक इतने मजबूत होते हैं ना कि ये ऊतक इतने मजबूत होते हैं कि पौधों को कवकों से, जीवाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है ये ऊतक। ये हो गया यांत्रिक ऊतकों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, तो आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, उत्तर 12 में आपसे क्या कहा गया है? उत्तर 12 में आपसे कहा गया है कि मानव हृदय के विभिन्न भागों का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको हेडिंग इस प्रकार से डाल लेनी है, मानव हृदय, ये आपको हेडिंग डाल लेना है।
इसके बाद दोस्तों इसमें आपको क्या कहा गया है, इसमें आपसे कुछ भी नहीं लिखने के लिए कुछ नहीं कहा गया है, बस इसमें करना क्या है, मानव हृदय के विभिन्न भागों का नामांकित चित्र बनाना है। मानव हृदय के हृदय को बनाना है और हृदय के जितने सारे पार्ट्स है, जितने सारे भाग है, उस भागों को ही आपको लिखना है, उस भागों के बारे में कुछ नहीं लिखना है, बस जैसे चित्र बना के, जैसे आपको चित्र स्क्रीन में प्रोवाइड कराते हैं, जैसे हमने चित्र को स्क्रीन में प्रोवाइड कराया है, स्क्रीन जो प्रोवाइड कराया है इसमें देखा होगा कि आप लोग जो हृदय के भाग बने हुए हैं इसमें जो भी लिखा है बस इतना ही लिखना है, इतने के ही आपको नंबर दिए जाएंगे, बस इतने पूछा गया है, इसका व्याख्या नहीं कर रहा है। क्लियर, आप लोगों ने देख लिया होगा। अब आपको 12 का, अगर आपको का नहीं आ रहा है, का नहीं मतलब 12 नहीं आ रहा है, तो उसका अथवा लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखोगे उत्तर 12 का अथवा, यानी उत्तर डाल लोगे 12 और ऐसे डाल लोगे अथवा। अथवा में आपसे क्या कहा गया है, अथवा में आपसे कहा गया है जीवों के जीवन में पानी के महत्व का उल्लेख कीजिए। तो इसमें हेडिंग डाल लेना आपको जीवों के जीवन में पानी का महत्व। अब दोस्तों इसके बारे में आपको बता दे कि जीवों के जीवन में पानी का महत्व क्या है। तो दोस्तों आपको बता दे कि जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवों के जीवन का, जीवन पानी का महत्व पूछा गया, जीवों के जीवन में पानी का बहुत बड़ा महत्व है। दोस्तों आपको बता दे कि पानी जो है, जल जो है, हमारे शरीर की विभिन्न प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाता है। कौन चलाता है, पानी ही चलाता है। दोस्तों आपको और बता दे कि हमारे शरीर का 80% भाग केवल जल के कारण ही बनता है। दोस्तों इसीलिए कहा गया है, दोस्तों कवि ने कहा है कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन इसलिए कहा गया है कि हमारे शरीर के जितने सारे कोशिकी प्रक्रिया है, यानी कोशिकाओं को चलाने के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है। जल ही हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को जल ही चलाता है। ये दोस्तों जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्व है। हमारे शरीर में जितने सारे पदार्थों में जो पदार्थों का संवहन करना होता है, पदार्थों का संवहन भी कौन करता है, दोस्तों जल ही करता है। दोस्तों और आपको बता दे कि जो हम लोग जीव होते हैं, जो जीव पेयजल का प्रयोग करते हैं ना, स्थली जीव पेयजल के रूप में मीठे जल का प्रयोग करते हैं। मीठे जल का मतलब शुद्ध जल का प्रयोग करते हैं। जल बहुत ही महत्व है। इसके अनुसार हम लोग दोस्तों आज बायोलॉजी का पूरा जो हम लोगों ने सेट है, यानी सेट 2 का जो बायोलॉजी का पार्ट था पूरा खत्म कर ले दोस्तों। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपको बता दें कि आपको कौन सा पार्ट चाहिए, 2020 का चाहिए कि 19 का चाहिए कि 2011 का चाहिए, कहां से स्टार्ट करें, आप कमेंट सेक्शन में फटाक से डाल दीजिए, मैं उसी का वीडियो आपको जो बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा देने वाला हूं। इसके लिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक जय हिंद जय भारत।